जितना खास रक्षाबंधन का त्यौहार आम लोगों के लिए होता है, उतना ही खास हमारे सेलिब्रिटी के लिए भी होता है। खासकर हमारे भोजपुरी सेलिब्रिटी तो इसे बड़े ही प्यार से मनाते हैं। आपको ये बता दें कि भले ही पिछले साल लॉकडाउन के वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार थोड़ा फीका रहा हो, लेकिन इस बार आलम कुछ और है। कई राज्यों में लॉकडाउन हटने के कारण इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, हमारे ये जो भोजपुरी स्टार हैं, ये भी तैयार हो चुके हैं भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पवन सिंह से। तो पवन सिंह भले ही कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो भाई उनकी बहन पवन सिंह चाहे जहां हो वहां पहुंच जाती हैं उन्हें राखी बांधने के लिए। अगर पवन बिहार में हैं तो बिहार में उनकी बहन आती हैं, और अगर मुंबई में हैं और शूटिंग कर रहे हैं तो मुंबई में जाती हैं। अब बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ। खेसारी लाल यादव की सगी कोई बहन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सिंगर प्रियंका सिंह खेसारी की मुँह बोली बहन है, और उन्हें वो हर साल राखी बांधती हैं। उन्हें राखी बांधने के लिए वो हर साल उनके घर पर आती हैं, और अगर शूटिंग के सिलसिले में खेसारी बाहर है तो अपनी राखी उन तक ज़रूर पहुंचवाती हैं। और तो और, खेसारी भी अपनी इस बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ की दो बहनें हैं, और आपको बता दें कि अपनी बहनों के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत कुछ करते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में दिनेश लाल यादव निरहुआ के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं उनके भांजे भी पढ़ते हैं। जी हाँ, इसकी जानकारी खुद उनके भांजे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी थी। और तो और, पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि भले ही कोई राखी बंधवाने पहुंच नहीं पाया हो, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव अपनी बहन के पास लॉकडाउन में पहुंचे थे राखी बंधवाने। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अरविंद अकेला कल्लू की तरफ। अरविंद अकेला कल्लू की सगी बहन तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी मुँह बोली बहन है, और वो भी उन्हें राखी के दिन राखी बांधना बिल्कुल नहीं भूलती। ऐसे आपको बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू चार भाई हैं, रितेश पांडे की सगी बहन है भी, और हर साल रितेश अपनी बहन के साथ राखी बनाना बिल्कुल नहीं भूलते। यहाँ रितेश ये बताते हैं कि मैं भले ही पूरे साल बहन से ना मिलूँ तो क्या, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ये दिन उसका है, और मैं चाहे जहाँ रहूँ उससे मिलने ज़रूर जाता हूँ, या फिर मैं शूटिंग में बिजी हूँ तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आ जाती है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि हमारी जो भोजपुरिया एक्ट्रेसेस हैं, ये भी अपने भाई को भले ही इस दिन चाहे जितनी बिजी रहे राखी बांधना बिल्कुल नहीं भूलती। फिर वो चाहे काजल राघवानी हो या फिर अक्षरा सिंह हो। हाँ, इस बार अक्षरा सिंह बिग बॉस के घर में है तो ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है कि अक्षरा सिंह कैसे, लेकिन आपको बता दें अपने भाई को वो इतना प्यार करती हैं कि रक्षाबंधन के दिन उनकी राखी छूट न जाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने फ्रेंड को राखी भेज दी है, ताकि उनके भाई इस दिन रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई सूनी ना रहे, राखी बांध लें। आपको ये बता दें कि काजल राघवानी भी अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं और इस दिन को बहुत स्पेशल मानती हैं। वहीं आम्रपाली दुबे की अगर आप बात करें, तो आम्रपाली का सगा कोई भाई तो नहीं है, लेकिन आम्रपाली दुबे इस दिन रवि किशन को राखी बांधती हैं। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद आम्रपाली ने किया है, रवि किशन को वो राखी बांधती हैं, और रवि किशन को वो अपना मुँह बोला भाई भी मानती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।